गाजियाबाद में अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस मनाया गया, जिसके तहत एसएसपी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं एसएसपी ने भी बताया कि गर्मी का सीजन चल रहा है, कई जगह शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, इसीलिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर गठित भीषण अग्निकांड में 66 सदस्य सुमन कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसके बाद हर साल 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस एक सप्ताह तक मनाया जाता है। तो एक सप्ताह तक अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस मनाया जाता है, और ये गाजियाबाद की तस्वीर जिसको आज एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर ये एक बाइक रैली जिसको रवाना किया, और एक तरह से ये जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर जिस तरह से बढ़ते गर्मी के प्रकोप के चलते आग लगने की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती हैं। और बात अगर नोएडा की करें तो नोएडा में भी अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस की शुरुआत की गई है। अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अभियान अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस एक सप्ताह तक चलेगा। कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक सिंह ने कहा कि एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम को अलग अलग तरह के आयोजन होंगे, साथ ही लोगों को भी इसमें जागरूक किया जाएगा। घरों में उच्च क्षमता के तार लगाए जाएं, विद्युत के कटे फटे तारों का प्रयोग न किया जाए, और इस वर्ष का जो अगले सप्ताह का जो हमारा थीम है मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इज की टू मिटिगेट फायर हैजर्ड, यानी अग्नि सुरक्षा उपकरणों का रख रखाव आग के खतरों को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस थीम को हम लोग न केवल इस सप्ताह में बल्कि आने वाले पूरे वर्ष में पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे। और हाथरस के सासनी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में माहौल बिगाड़ने के लिए शरारती तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया। जी हां, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की टूटी हुई प्रतिमा को देखकर समर्थकों में गुस्सा देखा गया। हंगामे को बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो रात में किसी ने किया क्षतिग्रस्त जो है, तो सुबह पता चला है तो इसमें संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। जो भी अराजक तत्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिमा को बदला गया है या नहीं? प्रतिमा को बदलवाया जा रहा है, नई प्रतिमा लगाई जा रही है। ये कहाँ का मामला है सर? ये ऐसा जैसा मुझे लोगों ने बताया कि ग्लास रोड पानी टंकी के पास बाबा साहब के पार्क में लगी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो मैंने मौके पर आके देखा तो किसी व्यक्ति का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन प्रतिमा को जब देखा गया तो क्षतिग्रस्त है। बाबा साहब का हाथ, अरे दोनों हाथ उनके क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। अब इसमें पुलिस भी मौजूद है, यहाँ जांच चल रही है, जैसा भी होगा वो आपको सामने आएगा। आज दिनांक 14 अप्रैल को सुबह लगभग 9:30 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि ग्लास रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में स्थापित प्रतिमा को किसी के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया है। क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। और ग्रेटर नोएडा की बिस्तरक थाना पुलिस ने युवक की हत्या मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या करने वाले गैंग के गिरफ्तार भी किया है और गैंग के दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इस पूरे मामले में पुलिस का यह कहना है कि गैंग के एक सदस्य ने युवक की हत्या की थी और युवक का आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, जिसे लेकर युवक की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
और ग्रेटर नोएडा के कासना गांव में पुलिस ने दो होटलों में छापेमारी की है और मौके से पुलिस ने दर्जन भर युवक युवतियों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही पुलिस ने होटल के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। मौके से कई लोग पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए और पुलिस ने दोनों होटलों को फिलहाल सीज कर दिया है। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा है और इस मामले पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और ग्रेटर नोएडा के दादरी में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल आमका रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और खबर अमेठी से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर एक ही ड्रिप को अलग अलग महिलाओं को लगा रहा है। अब ऐसे में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन डॉक्टर जमकर लापरवाहियां बरत रहे हैं और यह वीडियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी से बनाया गया है। इस पूरे मामले में सीएमओ से जब बात की गई तो इनका कहना था कि केवल फोटो लेने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा सच है तो जल्द ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी आपके द्वारा प्रेषित वीडियो को हमने जो है देखा और देखने के पश्चात ये ऐसा प्रतीत हुआ कि वो केवल जो है फोटो खींचने के लिए लगा रही हैं। मैं इस पर जो है वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक से तत्काल आख्या मांगी है और ये निश्चित रूप से एक गंभीर प्रकरण है और एक जाँच का विषय है। मैं अभी जैसे उनसे मेरी वार्ता हो जाती है, मैं इस पर एक जाँच कमेटी गठित करके मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही निश्चित रूप से। इस तरह कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत को लेकर के बदनाम करने की एक साजिश, निश्चित रूप से ये किसी की दूषित मानसिकता का परिचायक है जिसने जो है अमेठी जनपद को या अमेठी जनपद के कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए या उसको करने के। और उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।